हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है और आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जो लोग लेट जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि 4 से 5 लेक्चर हो चुके हैं, पहले वो देख लीजिए। ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर नहीं है, कुछ कुछ तो 10 से 15 मिनट के हैं, कुछ आधे घंटे के लेक्चर हैं। तो जो लोग लेट जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग वहाँ पे जाके पहले इसको ज्वाइन कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये पीडीएफ भी जो है ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, डायरेक्ट वहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। किसकी बात करेंगे हम लोग? फंडामेंटल राइट्स की। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको लिख दूंगा। फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे हम लोग और बाकी तो आपको पीपीटी इसमें प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, मेरी थोड़ी सी आदत है लिख के पढ़ाने की और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो भी लिखने की प्रैक्टिस एटलीस्ट करते रहें, क्योंकि होगा क्या ना, लिखने से आपको याद रहेंगी चीज़ें, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, और जो लोग मेंटरशिप से जुड़ना चाहते हैं मैं मेंटरशिप का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और मैं जीके का भी फ्री क्विज चलाता हूँ उसका भी लिंक दे दूंगा और इंग्लिश का भी। ठीक है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर के 35 आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है, ये आर्टिकल जो है इसमें फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, पार्ट 3 में है। ठीक, बेसिक चीजें हो गई अभी। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग इसको कहाँ से बोरो किए हैं, हम लोग इसको बोरो कहाँ से किए हैं। तो हम लोगों ने किया है इसको यूएसए से बोरो, फंडामेंटल राइट्स को हम लोग किए हैं यूएसए से। उस वहां पे क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, यूएसए में क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, बेसिक चीजें हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं, मैं इस पेज पे नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ आपको। ठीक है, अब ये चीजें हो गई। अब इसको जो है ना, पार्ट 3 को ही हम लोग मैग्ना कार्टा बोलते हैं, पार्ट 3 को ही हम लोग मैग्ना कार्टा। जो हम लोग शुरू से पहली क्लास देख रहे होंगे उनको मैंने बताया भी है कि मैग्ना कार्टा की उत्पत्ति कैसे हुई थी, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। कैसे मैग्ना कार्टा बोलते हैं? मैग्ना कार्टा की उत्पत्ति हुई थी 1215 में, ब्रिटेन के राजा थे, ब्रिटेन के राजा थे, ब्रिटेन के राजा थे, किंग थे, उनका नाम था जॉन। उन्होंने 1215 में कुछ राइट्स लाए थे, उसी को मैग्ना कार्टा बोला गया था। तो हम लोग अपने यहाँ पार्ट 3 को, फंडामेंटल राइट्स को, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक, बेसिक चीजें हो गई। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसको कि हम लोग पढ़ने से पहले उन चीजों को हम लोग को जानना चाहिए। पहली चीज कि जो फंडामेंटल राइट्स है, मैं आपसे FRO लिखूंगा, ठीक है, आप लोग समझिएगा। जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो एब्सोल्यूट नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड है इन नेचर। ठीक है, क्या है? क्वालिफाइड है इन नेचर, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, क्वालिफाइड है इन नेचर। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है? तो ये इसका मतलब होता है कि ये बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, जो कई बार मतलब कि ऐसा होगा कि आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे कुछ सिचुएशन में, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि ये जैसे कि नेशनल इमरजेंसी आती है, नेशनल इमरजेंसी आती है, नेशनल इमरजेंसी आती है, तो ये हमारे छीन लिए भी जा सकते हैं जरूरत पड़ने पे। ठीक है, हमारे मतलब ले लिए जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी में और मार्शल लॉ के सिचुएशन में, मार्शल लॉ में, इन दो टाइम पे ये हमसे लिए भी जा सकते हैं। ठीक, दो चीजें हो गई। अब तीसरा एक चीज और मैं बता दे रहा हूं कि ये सेक्रोसेंट नहीं है। क्या नहीं है? सेक्रोसेंट, सेक्रो सेक नहीं है। क्यों? इसका मतलब क्या होता है सेक्रोसेंट का मतलब? सेक्रोसेंट का मतलब है कि ये परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है, मैंने बता ही दिया, परमानेंट नहीं है, नॉट परमानेंट। ठीक, अब इसका कारण आपको मैंने बता दिया कि नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ के टाइम पे ये आपसे छीन लिया जाता है। ठीक, आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियरिटी होगी। ठीक, दो चीजें, तीन चीजें आपने यहाँ से सीख ली, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। एक चीज और होता है कि फंडामेंटल राइट जो होता है ना, वो जस्टिसिएबल होता है, मतलब आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। जस्टिसिएबल होता है मतलब आपको कोई, जैसे आपका फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट के या किसी के द्वारा हनन हो रहा है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं इसके लिए, कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक, कुछ चीजें क्लियर हो गई। अब फंडामेंटल राइट्स, टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। अब उसमें कुछ चीजें मैं ये बता देता हूँ कि उन 6 में क्या है। पहला 14 से लेकर के 18 तक है, राइट टू इक्वलिटी बोलते हैं, वो भी मैं धीरे धीरे आपको एक एक चीजें डिस्क्रिप्शन दूंगा, अभी मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ इस क्लास में क्या होगा। अगर बात करें आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का होता है,
ठीक है, फ्रीडम मतलब राइट ऑफ फ्रीडम होता है, मैं फ्रीडम बस एफ से लिख दे रहा हूँ और इक्वलिटी ई से लिख दे रहा हूँ, आगे मैं इसको डिराइव करूंगा। ठीक, और आर्टिकल 23 और 24 जो होता है वो एक्सप्लॉयटेशन से होता है, एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड होता है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। फिर अब देखें चौथा आर्टिकल जो है 25 से लेकर के 28 तक जो होता है वो होता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और अगर बात करें आर्टिकल, ये पांचवा है, आर्टिकल 29 और 30 जो होता है वो रिलेटेड होता है किससे, एजुकेशनल राइट से, कल्चरल राइट से, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट से। ठीक, आई होप कि ये भी होगा। और मैं छठा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, छठा होता है सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 32, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट रेमेडीज भी बोलते हैं और इसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। क्या बोला गया है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। ठीक, ये चीजें हो गई, कुछ बेसिक आपको आइडिया लग गया कि इस क्लास में हम लोग क्या क्या देखेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं कुछ चीजें। अब आते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या कहता है? अच्छा हाँ, कुछ और भी मैं बेसिक डिस्क्रिप्शन दे ही देता हूँ यहाँ पे कि सात पहले थे, ठीक है, पहले टोटल सात फंडामेंटल राइट्स थे, बट हुआ क्या कि 1978 में मोरारजी भाई की सरकार आई, मोरारजी भाई की सरकार आई, ठीक, भाई की सरकार आई। अब हुआ क्या, 44th अमेंडमेंट को, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, इस अमेंडमेंट में आर्टिकल जो था 31 हमारा करीब 31 था और उसी समय 19F भी था शायद, ठीक है, 19F भी था। इन दोनों आर्टिकलों को हटा के 300A में डाल दिया गया, किस किस राइट को डाल दिया गया, तो प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को किस में डाल दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को 300A में। अब ये क्या हो गया है, ये लीगल राइट हो गया है, लीगल राइट, कई बार इससे क्वेश्चन आया है। ठीक, लीगल राइट हो गया है, आई होप यहाँ पे क्लियरिटी आपको मिल गई होगी। अब आते हैं आर्टिकल 12 पे। आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 कहता है स्टेट के बारे में, क्या होता है स्टेट, स्टेट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि स्टेट में क्या क्या आती है। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट आती है, हमारे यहाँ जैसे यूपी बिहार ये सब, मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र है उसको लेते हैं। दूसरा आता है गवर्नमेंट आता है, तीसरा आता है पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट आता है, चौथा आता है लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी आता है, और पांचवा आता है गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, ये सब चीजें मिला करके क्या बनता है, स्टेट बनता है विथ इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इन सब को अगर हम लोग एक गोले में ले लें तो इन सब में जो बनता है इसे ही बोलते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया और उसी को बोलते हैं स्टेट। ठीक, आई होप कि ये क्लियर होगा आपको, आर्टिकल 12 क्या हो गया। नेक्स्ट आते हैं 13, क्या कहता है? 13 कहता है कि लॉ दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। मतलब अब देखिए क्या हो रहा है, कोई लॉ आपने बनाया और वो फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, तो वो लॉ को हम लोग वाइड कर देंगे, मतलब नल कर देंगे, नहीं मानेंगे, ये कहता है आर्टिकल 30। ठीक है, इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब आता है राइट टू इक्वलिटी, दैट इज आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, राइट टू इक्वलिटी 14 से लेकर के 18 तक आता है। मिलते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं अब इसमें क्या है, 14 आर्टिकल क्या कहता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ के आगे सब लोग समान हो। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें भी एक्सेप्शन है मैं बताऊंगा, लॉ के आगे सब लोग समान हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मर्डर अंबानी कर रहे हैं भाई, बहुत पैसे वाले हैं, और या फिर कोई एक नॉर्मल तबका कर रहा है, बहुत गरीब आदमी कर रहा है, गरीब आदमी कर रहा है, इन दोनों को जो सजा होगी वो सेम होगी। अब उसके लिए ऐसा नहीं कर देंगे कि अंबानी को अलग सजा देंगे और उस गरीब आदमी को अलग सजा देंगे, दोनों को मर्डर की सजा अगर 302 के तहत होगी तो दोनों को 302 के तहत होगी, वो होती है इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब लोग समान है। लेकिन ये दो केसेस में अलग हो जाता है, जैसे कि गवर्नर के केस में और प्रेसिडेंट के केस में, जब ये कुर्सी पे बैठे रहते हैं तब तक इनके साथ चीजें उस तरह से नहीं ट्रीट होती हैं। ठीक, आई होप कि ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, क्या होता है आर्टिकल 14। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 15। अब इक्वलिटी की बात कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेशन से बचना होगा, आर्टिकल 15 का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन। अब गवर्नमेंट हो चाहे कोई पर्सनल व्यक्ति भी हो, किसी के ओनली, ओनली के वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे
सवाल नहीं उठाएगा, उसकी वजह से उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मान लो किसी और रेस का है, मान लो कोई काला टाइप का आदमी है, अब गोरे लोग हैं उस जगह पे कहीं रहते हैं, अब वहां पे एक टेम्पल है, ये टेम्पल है, इस टेम्पल में उसको रेस की वजह से, उसकी जाति की वजह से, उसके मतलब फीमेल है मेल है उसकी वजह से ऐसा नहीं कर सकते, या जन्म उसका कहीं कहीं और हुआ है उसकी वजह से, किसी धर्म का अलग है तो उसकी वजह से वहां पे न जाने दें, उसके लिए रोक नहीं लगा सकते। कोई पब्लिक प्लेस है तो मान लो टेम्पल में ऐसा हो सकता है, या मस्जिद में होता है, जैसे मान लो मस्जिद है, अब मस्जिद में मुसलमान जो है वो चाहेंगे कि हिंदू ना आए, तो वो केसेस अलग होते हैं, उन केसेस को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीजें होगी। जैसे पब्लिक प्लेसेस पे मान लो कोई होटल बनवाया, अब वो बोल दिया मैं किसी एससी कास्ट के बच्चे नहीं रहूंगा, तो उसके ऊपर केस हो जाएगा क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया है, ठीक। मान लो कोई बोल दिया कि ये काला है इसलिए मैं नहीं दूंगा, तो उसके ऊपर केस हो जाएगा, ठीक है, समझ गया आप। अब नेक्स्ट पे आते हैं आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब ये है रिजर्वेशन की बात करता है, किसकी बात करता है, रिजर्वेशन, आपको एम्प्लॉयमेंट दिलाने की बात करता है। अब एम्प्लॉयमेंट कैसे, देखिए क्या होता है, देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ रिलेटिंग द एम्प्लॉयमेंट आर अपॉइंटिंग एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। अब कोई भी जैसे गवर्नमेंट है, अब कोई भी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि वैकेंसी ला रही है सब, तो एक निर्धारित कर दिया गया है कि आपको इसमें रिजर्वेशन देना होगा क्योंकि उनको बराबरी पे लाया जा सके। स्टार्ट में ये 10 साल के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए B.R. अम्बेडकर जी ने बोला था, बट इलेक्शन और बाकी मुद्दों को देखते हुए और भी चीज़ों को देखते हुए कि बहुत लोग अपलिफ्ट नहीं भी हो पाए हैं, इसका एक ड्रॉबैक भी रहा है जो लगता है कि भाई एक ही परिवार के लोग बार बार आरक्षण पाए जा रहे हैं, जो बहुत ही जेन्युइन लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है, तो इसमें कुछ थोड़ा संशोधन भी फ्यूचर में अगर हो जाएगा तो बेटर रहेगा। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को आरक्षण मिल गया, अब उसका परिवार तो संवर गया, बट हो क्या रहा है उस वजह से, मान लीजिए SC हैं, ST हैं या OBC हैं, इनके कट ऑफ क्यों इंक्रीज हो जा रहे हैं किसी भी एग्जाम, उसका रीजन यही है कि आप एक ही परिवार के लोग जब बार बार पा रहे हैं तो वो मेहनत, वो एक अच्छा एजुकेशन पा ले रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबका है SC ST में भी, जो वंचित है इस चीज से OBC से, उन बच्चों को भी तो अधिकार होना चाहिए। अब बार बार उनके में ही कंपटीशन क्यों बढ़ गया, क्योंकि ये लोग पहले से ही आरक्षण की सीटें लेते जा रहे हैं, तो ये इसमें थोड़ा सा ये करना होगा एटलीस्ट कि कुछ इंप्रूवमेंट किया जाए ताकि उन लोगों तक भी आरक्षण का लाभ पहुंच सके। काफी साल से पढ़ रहा है लेकिन बहुत आज भी हमारे देश में बहुत लोग वंचित हैं जिन तक शिक्षा अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है, तो ये जरूर गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा रिजर्वेशन में सिस्टम लाए ताकि उन लोगों तक चीजें पहुंच सके, ठीक। तो ये हो गया आर्टिकल 16 की बात। आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी को हटाओ, छुआछूत। छुआछूत मतलब देखिए बहुत ही इजी वर्ड है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब होता क्या है, लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे से कास्ट के नाम पे छुआछूत की बीमारी का वो हवाला देते हैं, या छुआछूत करते हैं, बीमारी का नहीं छुआछूत का काम करते हैं, भाई तुम इस फलाना कास्ट से हो तो मैं तुम्हें छू नहीं सकता, या तुम मुझे छू नहीं सकते, मुझे नहाना पड़ेगा, मैं ब्राह्मण से हूँ एग्जाम्पल, और तुम दलित से हो तो मैं तुम मुझे छू नहीं सकते, ऐसा कुछ भी चीजें नहीं चलेंगी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करेगा और उस पर केस हो सकता है, ठीक, अगर कोई ऐसा कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं अबॉलिशन ऑफ टाइटल। अब टाइटल के अबॉलिशन में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए क्या है ना कि पहले लोग टाइटल लगा के चलते थे, महाराजा ये वो, अब वो चीजें नहीं चलेंगी। अब पहली चीज, स्टेट कोई टाइटल प्रोवाइड नहीं करेगा किसी को, ठीक है, स्टेट कैन नॉट प्रोवाइड टाइटल, ठीक, ये हो गया। दूसरा क्या है कि मतलब एक्सेप्शन कुछ केसेस में रहेंगे इसमें, जैसे कि आप मिलिट्री में हैं और कर्नल हैं, ठीक है, तो आपको मिल सकता है टाइटल, आप मेजर हैं तो वो टाइटल लगा सकते हैं, आपने PhD की है तो आप डॉक्टरेट की लगा सकते हैं, इंजीनियरिंग की है तो ER इंजीनियरिंग की लगा सकते हैं, तो वो पढ़ाई और एजुकेशन से रिलेटेड और मिलिट्री से रिलेटेड, एक्सेलेंसी से रिलेटेड, जैसे भारत रत्न है उन चीज़ों से रिलेटेड आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, टाइटल में ये एक्सेप्शन है। राइट टू फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम, अब आर्टिकल 19 से लेकर के 22 में दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आर्टिकल 19 में टोटल 6 फ्रीडम्स हैं, 6 फ्रीडम का क्या है नाम, इसको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, SAAMRO, साम्रो, साम्रो याद रहेगा, साम्रो। अब इसमें क्या है, S से स्पीच एंड एक्सप्रेशन, S, ठीक, फिर असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म ए, फिर फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, ऑफ यूनियन, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू मूव, ठीक है, मूव। अब देखिए क्या है, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, और फिर क्या है, ओ, हाँ ओ है, प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन,
ऑक्यूपेशन, ठीक, ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होता है ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ऐसे याद रहिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, आप क्या कर सकते हैं, असेंबली पीसफुली कर सकते हैं बिना आर्म्स के, वैसा नहीं कि कट्टा बारूद लेके बैठे हुए हैं, फॉर्म एसोसिएशन यूनियन बना सकते हैं, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी। अब कुछ जगहों पे इसमें एक्सेप्शन केस रहेगा कि कुछ जगहों पे आपको अलाउ नहीं किया जा सकता कुछ वो देश हित के कारण। रिसाइडिंग द सेटल इन इंडिया, किसी भारत के पार्ट में आप हो सकते हैं, ये वाला आर्टिकल ओमिट हो गया, मैंने बताया था आपको कि ये चला गया 300 ए में, ठीक है। फ्रीडम ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस के लिए आपको पूरा फ्रीडम है, तो ये हुआ सामरो, सामरो ट्रिक याद रखिएगा, सामरो ट्रिक याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं 20 में, आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। अब इसमें क्या है, मान लीजिए आपने कोई ऑफेंस किया, आपने कुछ गलती की, मान लीजिए जो भी किया आपने एग्जाम्पल, अब इसमें क्या क्या चीजें आपको करनी हो सकती हैं, इसमें क्या क्या चीजें आपको मतलब इसमें इससे कैसे बचे जा सकते हैं। अब होता क्या है कि अब इसमें कहता है कि नो नो मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं है कि लॉ नहीं है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स ऑफ एनी कमीशन दैट एक्ट चार्ज एज अ ऑफेंस। अब देखिए कोई ऐसा चीज ही नहीं है जो लॉ में ना हो और जबरदस्ती आपको उसमें फंसाया जा सके, ठीक है, वो चीज। दूसरी चीज, दो एक केस में आपको दो बार नहीं फंसाया जा सकता, ठीक है, एक ही केस में आपको दो बार नहीं फंसाया जा सकता, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मर्डर एक हुआ, अब उसको लिए डबल आपको सजा नहीं दी जा सकती, एक ही सजा दी जाएगी, ठीक है। नो सेल्फ इंकार्नेशन मतलब इंक्रिमिनेशन, मतलब कि क्या होता है ना कि आप खुद के प्रति जबरदस्ती आपके ऊपर गवाही दिलाएं, ये चीज नहीं हो सकता। पिक्चर में आप देखते हैं ना कि बोलते हैं कि भाई आपका गवाह नहीं माना जाएगा, पुलिस में, पुलिस के कस्टडी में गवाह नहीं लिया जाता, ये सब चीजें, तो काइंड ऑफ वही है। अब आते हैं आर्टिकल 21 पे, ठीक दोस्तों, आई होप कि ये चीजें आपको सही लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी पूरी तरह से, तो आई होप कि इंजॉय आप कर रहे होंगे टोटल, ठीक है। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है कि नहीं। हाँ दोस्तों रिकॉर्डिंग अच्छी चल रही है, तो हाँ ठीक, क्योंकि कई बार होता क्या है कि बीच में से जब वो हो जाता है ना तो दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने कहा एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक। आर्टिकल 20 में आते हैं, अब आर्टिकल 20 हो गया, 21 में आते हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है ना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपको देता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इसका इसमें क्या है कि आप किसी भी टाइप का प्रोटेक्शन आपको मिलती है, लाइक वाटर के लिए भी जो अगर है ना, मतलब वो 6 चीजें छोड़ करके जो भी आपको प्रोटेक्शन मिलती है, जो भी चीजें हैं सुविधाजनक, वो आर्टिकल 21 से होगी। जैसे आर्टिकल लाइफ का जो है मतलब जीने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 में प्रोवाइड है, पानी पीने का अधिकार है, किसी भी टाइप का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 में प्रोवाइड कराया गया है। 21 ए क्या कहता है, 21 ए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 86th अमेंडमेंट के थ्रू आया है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया है 2002 में जो आया था। अब इसमें दो चीजें हुई हैं, डीपीएसपी में और फंडामेंटल ड्यूटी में भी ऐड हुआ है, डीपीएसपी में और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ऐड हुआ है, ठीक। तो वो उस वाले पार्ट में आएंगे। इसमें क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों को आपको शिक्षा देनी है, प्राइमरी एजुकेशन का राइट है, ठीक है, बस बेसिकली यही है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब आते हैं 22 में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अगर आपको कोई अरेस्ट कर रहा है तो उस केसेस में कुछ आपको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, तो उसकी बात करता है ये राइट्स। अब उसमें होता क्या है, जैसे बहुत बार सुनेंगे कि किसी को भी अगर गिरफ्तार किया जाता है, किसी को भी अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, लाइक कि उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना होता है। अब वो सब चीजें कैसे होंगी, वो सब आर्टिकल 22 के थ्रू होंगी, अगर नहीं किया गया तो उनके ऊपर सवाल उठाया जाएगा, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक। अब आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23-24, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इससे मतलब मुझे लगता है कई बार क्वेश्चन आया, मैं इसका एक बेसिक ट्रिक बता दूंगा आप भूलेंगे नहीं। देखिए अब 23 क्या कहता है, प्रोहिबिशन इन ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर। पहले कौन आया, आदमी, इन आदमी, बड़ा आदमी आया ना, आदमी, तो आर्टिकल 23 पहले आएगा। इसमें क्या कहता है कि बंधुआ मजदूरी नहीं होगी, फोर्स लेबर नहीं होगा, ह्यूमन को ट्रैफिकिंग नहीं होगी, मतलब आप क्या करते थे, आदमियों को पकड़ के लेके जाते थे और बंधुआ मजदूरी कराते थे। पहले के जमाने में क्या हो जाता था कि मतलब गाँव में आप देखेंगे तो बहुत लोग को ऐसे कर दिया जाता था, भाई तुम अब लाइफ टाइम मेरे यहाँ ही काम करोगे, ठीक है। तो वो चीजें आर्टिकल 23 में दी गई हैं कि भाई अब आप इसे नहीं कर सकते, आर्टिकल 23 में फोर्स लेबर आपने किया तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी और आपको सजा होगी, ठीक है, क्या होगी, सजा होगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 सेम चीज कहता है कि अगर 24 से कम में बच्चा है एज का तो उसे चिल्ड्रेन माना जाएगा और उसे आप किसी भी फैक्ट्री और माइंस में काम में नहीं लगा सकते, ठीक
ठीक है, फैक्ट्री और माइंस में काम में नहीं लगा सकते, समझ गए ये चीजें आप? ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 से लेकर के मैंने पहले ही बोला था 28 तक क्या कहता है आपको, राइट टू फ्रीडम देता है किसका, रिलीजन का। अब इसमें 25, 26, 27 और 28, चार आर्टिकल है। ठीक है, चार आर्टिकल क्या क्या कहते हैं, ये कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस, मैं आगे चलता हूँ यहीं पे दिया है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आप अपनी रिलीजन को बढ़ावा दे सकते हैं, किसी भी रिलीजन को आप मान सकते हैं, ये आपको कौन बताता है, 25 बताता है। आप उसकी पूजा धर्म से जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं करिए, आपको कोई रोक ठोक नहीं है, ये हमारे यहाँ आर्टिकल 25 प्रोवाइड कराता है। ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस एंड द राइट टू फ्रीली टू प्रोसेस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। कोई भी रिलीजन का आप बढ़ावा दे सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, आप उस चीज के लिए अच्छे से कर सकते हैं, आपको कोई रोक ठोक नहीं है। आर्टिकल 26 क्या कहता है, आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। प्रत्येक जो धार्मिक कार्य होते हैं आप उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ कि आपको दान पेटी में पैसा मिला, फॉर एग्जाम्पल मस्जिद में लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं, मंदिर में लोग पैसा देते हैं, तो उसका जो मैनेजमेंट होगा वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए आप टैक्स पे कर सकते हैं। देखिए पहले क्या कर रहे थे, आप मैनेज कर रहे थे, लेकिन अभी पैसा आएगा आगे, मैनेज पहले ही हो गया, पैसा बाद में आ रहा है। ठीक, ये भी ज्यादा बताने की चीज इसमें रही नहीं। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब देखिए कुछ जैसे ना राज्य में निधि मतलब कि कुछ वो है ना कि भाई आप कुछ इंस्ट्रक्शन रहेंगे, वो बेसिक इंस्ट्रक्शन आपको फ्रीडम दी जा रही है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि आप पूरे जो नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होल्ली मेंटेन बाई द स्टेट। अब स्टेट क्या है ना, स्टेट गवर्नमेंट वहां पे अगर मान लीजिए कोई है, या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई है, वो क्या करेगी, वो आपको किसी चीज की बाधित काम नहीं करवा सकती। वो हमारा फ्रीडम देता है आर्टिकल 28 कि आप ये भाई बाधित है, आपको ऐसे ही करना है, ये चीजें आर्टिकल 28 के तहत आपको नहीं दिला जा सकता। ठीक है, कि आपको रोक ठोक नहीं किया जा सकता, कि आप मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेट कर दे कि भाई कल के दिन मदरसा ही टाइप का स्कूल चलेगा, नहीं हो सकता, वो स्टेट कोई नहीं कर सकता, समझ गया। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 19 है, 29 और 30 एक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में आएगा। अब इसमें क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज में कौन है, जिनकी संख्या कम है, माइनॉरिटीज में कौन है, जिनकी संख्या कम है, तो उनको क्या करता है, वो प्रोटेक्शन देता है उनके इंटरेस्ट को लेकर के, उनके इंटरेस्ट को लेकर के प्रोटेक्शन देता है। फॉर एग्जाम्पल की प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर एंड इट्स ओन शैल बी राइट टू कंजर्व द सेम, मतलब वो अपनी लैंग्वेज और इन चीजों को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 30 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। माइनॉरिटीज को अलाउ कर देता है कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम क्या किए हैं, मदरसा खोल के रखे हैं। ठीक है, मदरसा, ये क्या है, मदरसा ये है, बेसिकली राइट दिया जा रहा है किसको, इनको दिया जा रहा है कि वो माइनॉरिटी हैं तो खोल सकते हैं। क्रिश्चियन क्या खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, क्रिश्चियन भी स्कूल खोल सकते हैं, तो वो भी बहुत सारे स्कूल खोल के रखे हैं, मैथ्स एंड मैरी और काइंड ऑफ चीजें वो वहां पे अपने प्रोसेशन को करा सकते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 32 पे। अब 32 से लेकर के 35 तक आर्टिकल में क्या है ना, 32 से लेकर के 35 तक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेमेडीज फॉर इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स। आपको तरीका दिया गया है कि कैसे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं आप। ठीक है, बेसिकली अब उसमें क्या है कि कुछ आपको रिट दिए गए हैं, ठीक है, कुछ आपको रिट दिए गए हैं। ठीक है, अब रिट का मैं एक अलग क्लास लाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए, बस सिंपली समझ जाइए कि सुप्रीम कोर्ट में आपको रिट दायर करना है तो आर्टिकल 32 के तहत कर सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में आपको करना है तो आप 226 आर्टिकल के तहत कर सकते हैं रिट। और रिट होता है आपका तकरीबन 6 टाइप, 5 टाइप का, वो पांचों टाइप का मैं डिस्कशन करूंगा इन नेक्स्ट क्लासेस, क्योंकि नेक्स्ट क्या मतलब आगे एक उसका अलग से सेगमेंट रखूंगा, इसी में नहीं करूंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।